अभी और ऊंचाई है लेकिन बहुत नज़दीक में है। नमस्कार, आज मैं यहाँ कमिंग जॉर्जिया में हाइकिंग के लिए आया हूँ। ये जनवरी का फर्स्ट वीकेंड है और यहाँ पर अभी टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, जो कि कुछ ज़्यादा नहीं है यहाँ के हिसाब से, इतना होता है, इस इज़ नॉर्मल। और ये जो हाइक है उसका नाम है इंडियन सिट्स ट्रेल। ये जो स्टैचू है वो स्वानी करके एक चेरोकी इंडियन उसका है, वो कारपेंटर था और उसको ऑनर करने के लिए उन्होंने यहाँ रखा है। उसके नाम से उस माउंटेन को स्वानी माउंटेन भी बोलते हैं। ऊपर एक जगह है उसका नाम है इंडियन सिट्स। और ये जो हाइक है पार्किंग लॉट टू पार्किंग लॉट, इट विल टेक अबाउट लाइक 4 माइल्स, 6.5 किलोमीटर, और हमें 1.5 घंटा टाइम लगेगा। जो एलिवेशन गेन है वो होगा अबाउट लाइक 500। ट्रेल ऐसे शुरू में जेंटल है, बाद में थोड़ी टफ होती जाएगी। हेलो, अभी विंटर है तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे पेड़ पर पत्ते नहीं है और जो बाकी है वो एवरग्रीन है। हेलो, हाय। Well, I'm getting smarter. What I figured is now. You did. I'm determined my expectations. मैं ये ट्रेल पर बार बार आता रहता हूँ, समर में भी, स्प्रिंग और फॉल में भी। हर एक का ब्यूटी अलग अलग होता है। समर में पत्ते पूरे होते हैं तो ऊपर जो कैनोपी है वो बहुत ग्रीन होती है, सुंदर दिखता है, और वो सन रेज को यहाँ नीचे तक आने में ब्लॉक करती है तो उससे थोड़ा गर्मी कम लगती है। यहाँ जॉर्जिया में गर्मी बहुत होती है। उसके दो रास्ते हैं, हमें जाना है इंडियन सिट्स ऑब्जर्वेशन डेक पर, लेकिन मैं अगर उस सामने गया तो भी वहाँ से ऊपर जाके वापस आ सकता हूँ। तो मैं ये बैटिस्टेबल गैप पार्किंग लॉट है वहीं पर जाता हूँ। अभी 3-4 दिनों से बारिश हुई है तो ऐसी गीली जगह भी आपको मिलेगी। यहाँ पर गवर्नमेंट है, जो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट या म्यूनसिपल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो लोग अच्छी तरह से ऐसी हाइक बनाते हैं। तो ये कच्चा जो रास्ता है उन्होंने मार्क किया है कि अगर आपको वहीं पर चलना है, उसकी वजह से आप देखोगे तो आसपास में ऐसे कोई शॉर्टकट लेता हुआ नज़र नहीं आएगा। उनका मेंटेनेंस यहाँ पर रहता है रेगुलरली। उनको ये जो ट्रेल है सख्त बारिश में धुल जाती है, जब स्टॉर्म आता है कोई ऊंचा पेड़ गिर जाता है तो उसको काटने, सीधा करने, ट्रेल को क्लियर करने के लिए वो लोग आते रहते हैं और उसको करते हैं। अमेरिकन्स नेचर को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लव करते हैं, उसकी वजह से वो लोग मतलब अपना जो स्पेयर टाइम है वीकेंड्स है तो वो फैमिली के साथ एडवेंचर के लिए, स्पोर्ट्स के लिए ऐसे यूज़ करते हैं, जिससे नेचर को वो प्रिजर्व करते हैं। हमें सीखना चाहिए। हमारे पास मंदिर की चोटियों पर, सॉरी पर्वत की चोटियों पर मंदिर होते हैं, भगवान होते हैं, फिर भी वहाँ पर जाके हम क्या करते हैं, कूड़ा डालते हैं। यहाँ देखो बिल्कुल क्लीन है। क्या लोग अपने साथ कुछ लाते नहीं होंगे? पानी की बॉटल सबके पास होती है, लेकिन लोग अपने साथ जो लाए हैं वो चीज़ें वापस ले आते हैं। यहाँ रास्ते में कोई कूड़े का बीन भी तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ यहाँ एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ या एवरी ईयर आके ट्रैश कलेक्ट करते होंगे। कोई यहाँ आता ही नहीं है क्योंकि कोई कूड़ा डालता ही नहीं है। इतने सेल्फ डिसिप्लिन यहाँ के लोग हैं। नॉर्मली ऐसी छाप होती है कि अमेरिकन आर मटेरियलिस्टिक और पैसों के पीछे भागते रहते हैं, ऐसा नहीं है। वो लोग बहुत अच्छी तरह से लाइफ को एंजॉय करते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। फॉर देम फैमिली फर्स्ट, मनी लेटर। ऐसे पेड़ गिर जाते हैं कभी कभार तो पूरे रूट में से ही निकल जाते हैं। बारिश होने की वजह से उनके रूट्स ज़्यादा ऊंडे नहीं जाते, ज़्यादातर ट्रीज है वो शैलो होते हैं। लेकिन
ट्रीज भी तो बहुत है यहाँ, ऐसे कोई अननेसेसरी नेचर को डिस्टर्ब नहीं करता, पेड़ काटने के लोग आते नहीं यहाँ पर, तो उसकी वजह से उनका प्रिजर्वेशन बहुत अच्छा रहता है। ये देखो, ये कोई प्लांट है, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन वो अभी भी ग्रीन है, वंडरफुल। हेलो गाइस, आपने ये भी देखा होगा कि ज़्यादातर लोग मास्क नहीं पहनते, तो ओमिक्रॉन का वेव चल रहा है। दिन भर में 7-8 लाख केसेस आते हैं, जो कि अमेरिका का पॉपुलेशन भारत का पॉपुलेशन से 25% है करीब करीब। तो वो भारत में कंपेयर किया जाए तो ये 25-30 लाख केसेस पर डे आते हैं, जबकि भारत में कितने, 1-2 लाख आए, फिर भी हमने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया, लोग पालन करते हैं। यहाँ पर लोग उसको इजीली लेते हैं, और उसकी वजह है कि ये केसेस बढ़ते जाते हैं, पीपल जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड। और दूसरी चीज़ कि इंडिविजुअल फ्रीडम, व्यक्ति स्वतंत्र, उस पर ये देश खड़ा है। तो मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद नहीं है, वो लोग पहले सोचते हैं, तो उसकी वजह से बस लोग कहते हैं मेरी मर्जी। हाँ, ये नेचर प्रिजर्वेशन में उनका नेचर हो गया है कि कोई नहीं बोलता कि मेरी मर्जी, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ कूड़ा डालूँ। बहुत डिसिप्लिन है लोग यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई नेचुरल जगह है वो शहर से मिलो 200-300 किलोमीटर दूर होगी, ये सिटी के बीच में ऐसी चीज़ें बनाते हैं, वो वंडरफुल है। कोई भी सिटी ले लो US, कनाडा में, यहाँ पर दूर आपको एक रास्ता दिखाई देगा, तो वहाँ पर से व्हीकल भी आते जाते रहते हैं, लेकिन यहाँ इस बार देखो पूरा नेचर ही नेचर है। कोई यहाँ आके मुझे ये ज़मीन है वो डेवलपमेंट के लिए चाहिए करके कोई प्रेशर नहीं डालता, पॉलिटिशियंस का प्रेशर नहीं होता है, करप्शन नहीं होता है, और उसकी वजह से जो नेचर है अजीज़ यहाँ पर रहता है। ऐसे पेड़ पर आपको मार्किंग भी दिखाई देंगे, IES स्टैंड फॉर इंडियन सीड्स ट्रेल और नंबर 9, सो आपको पता लगेगा कि आप सही जगह पे हो या नहीं। यहाँ पर 3-4 अलग अलग ट्रेन्स का सिस्टम है, और लोग कहीं बार गाड़ी को एक पार्किंग लॉट पर पार्क करके दूसरे पार्किंग लॉट में उतर जाते हैं और फिर कंफ्यूज होते हैं, तो उसकी वजह से ये सिस्टम उन्होंने डेवलप किया है। ऐसा लगता है हम जो दूसरा पार्किंग लॉट है, जो दूसरी साइड है माउंट की, बैटरी स्ट्रिबल, उसके नज़दीक आ गए हैं। तो ये मतलब हमने जो वॉक किया, मैंने जो अभी तक वॉक किया वो रिज पर किया, उसके जो साइड थे उस पर किया, अब मैं सीधा दूसरी साइड से एक छोटा सा माउंट है उसके ऊपर जाऊंगा, और फिर मैंने जहां गाड़ी पार्क की है उस ओर जाऊंगा मैं। मेरा शेडो से पता चलता है कि मैं भी अपने साथ बैग लेके घूम रहा हूं जिसमें पानी है, और अगर मुझे कुछ कूड़ा या ऐसा कुछ है तो मैं उसको अपने साथ वापस लेके। ये है दूसरा पार्किंग लॉट, ये जो है वो पिकनिक एरियाज है, शेड बंधे हुए, आप उसको वैसे फ्री में भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर किसी ने रिजर्वेशन किया है, बुक किया है, तो उनके लिए होगा। तो हम जब बड़े ग्रुप में मिलते हैं तो उसका रिजर्वेशन कर देते हैं। यहाँ पर एरो है वो दिखा रहा है कि कहाँ पर हमें इंडियन सेट्स के लिए जाना है। ये पिकनिक एरिया शेड है, उसको देखते हैं। यहाँ पर बेंच है और कूड़ा डालने के लिए जगह है, यहाँ भी बिल्कुल कूड़ा नहीं है। पिकनिक होती रहती है, फिर भी लोग आते हैं, खाना यहाँ पकाते भी है, साथ में लाते भी है, खाते हैं और सब कुछ क्लीन करके वापस चले जाते हैं। हमें इगले ट्रेन में नहीं जाना है, तो हम मेन ट्रेन में ही जाएंगे। अलग अलग शेड हैं, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से कितने लोग बैठ सकते हैं इसके हिसाब से हम करते हैं। इस साइड से माउंटेन पर जाना, चोटी पर जाना इजी है, मतलब आप क्विकली चलोगे तो 15 मिनट में ऊपर जाके नीचे आ सकते हो। ये है वो माइनिंग के लिए यूज़ होता था, गोल्ड निकालने के लिए भी, इंटरेस्टिंग। वैसे ऐसी बैठने की जगह बहुत कम हुए, लेकिन फिर भी वो थोड़ी बहुत दी रखी है। यहाँ पर एक साइन है वो बताता है कि स्टे ऑन ट्रेल।
हाँ कुछ लोग एडवेंचर करने के लिए बच्चे ऐसे निकलते होंगे, जैसे कि यहाँ पर कुछ छोटा सा रास्ता बना है। नहीं, वो सही में एक ट्रेल ही है जो कनेक्ट होती है ऑफिशियल रास्ता। वो ट्रेल घूम के वहाँ पर लोग जो दिखते हैं वहाँ पर जा रही है। जब पेड़ हरे होते हैं तो इतना दूर तक नहीं दिखाई देता, ये अभी पत्ते नहीं हैं तो दिखाई देता है। यही चीज़ लोग बोलते हैं कि अगर आप सासण गिर जाओ तो जितना लेट जाओगे इतनी ग्रीनरी कम होगी, दूर तक दिखाई देगा, और जो वन्य पशु हैं प्राणी हैं उनको भी पानी के लिए खुराक के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, और उसकी वजह से आपकी प्रोबेबिलिटी वाइल्ड लाइफ देखने की बढ़ जाती है। ये कोई एक जंक्शन आया तो यहाँ से हमको राइट साइड पे जाना है, दूसरी साइड से जाओगे तो भी मैंने जो पार्क किया है वो आएगा लेकिन माउंटेन टॉप नहीं आएगा। थोड़ी बहुत सीढ़ी चढ़ाई है। नॉर्मली तो यहाँ पर लोग रूल्स को वायोलेट नहीं करते, लेकिन आप दूर पर देख रहे हो कि एक ग्रुप है उसने शॉर्टकट लिया है, ये बहुत रेयरली देखा है मैंने। चलो कोई कभी कभार करते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर सब लोग करने लगे तो बहुत बड़ा पंगा हो जाता है। उसका जो ऑफिशियल रास्ता है वो यहाँ से है, लेकिन वो लोग डायरेक्टली पहुँच गए हैं। धीरे धीरे हवा चलने लगी है तो ऐसा लगता है कि हम पर्वत की जो पीक है उससे नज़दीक में है। ऑलराइट, सो थिंक हम बहुत क्लोज हैं चोटी से, चोटी से बहुत नज़दीक हम आ गए हैं। अगर हम यहाँ से नीचे जाएंगे तो विदाउट चोटी पर जाए हम हमारे पार्किंग लॉट पे पहुँच जाएंगे, लेकिन हमको जाना है ऊपर, ऑब्जर्वेशन डेक है वहाँ पर। यह ऑब्जर्वेशन डेक ऐसा माना जाता है कि जो चेरोकी इंडियंस थे, जो चेरोकी नेटिव अमेरिकन्स थे, तो उनकी सेरेमोनियल जैसे किंग या दूसरी कोई सेरेमनी है तो उसके लिए यूज़ होता था। तो ये रहा उसका ऊंचाई, स्टिप स्टोन है, सिटी दिखता है यहाँ से। All right, well, subsequently it's going to be more level and downhill. कितना सुंदर दिखता है यहाँ से, बीच बीच में घर भी है, एक झील है और पूरा एटलांटा सिटी दिखता है, बाकी के माउंटेन्स भी दिखते हैं। भी और ऊंचाई है लेकिन बहुत नज़दीक में है। ये जो डेक बनाया है वो है ऑब्जर्वेशन डेक। नॉर्मली यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। अगर हम भारत में होते तो इतनी ऊंचाई पर एक माता जी का मंदिर, भगवान का मंदिर आ गया होता, लोग उसकी वजह से ही आते हैं।
नहीं कि हमें प्रकृति की गोद में जाना चाहिए उस वजह से, जबकि हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अच्छा किया था, अदरवाइज़ वहाँ पर कौन जाता। और ऐसा करने के बाद भी जब लोग जाते हैं तो कितना कूड़ा डालते हैं वहाँ पर, मुझे सरप्राइज़ होता है। आप खुद का घर इतना गंदा नहीं रखते तो भगवान का घर कैसे गंदा रखते हो। सही में भारत में इसमें बहुत बड़ी जागरूकता लाने की ज़रूरत है। यहाँ पर पूरा नेचर है और लोग नेचर को ही वर्शिप करते हैं, कोई धरती को माँ नहीं बोलता, नदी को माँ नहीं बोलता, पेड़ के आसपास घूम के पूजा नहीं करता, फिर भी उसका जो रिस्पेक्ट करते हैं वो बहुत बहुत कमांडेबल है। और उसकी वजह से मैं मानता हूँ कि अमेरिका इज़ द ग्रेट। ऑलराइट, थोड़ा पानी पीते हैं। सो टाइम टू गो बैक नाउ, नीचे की ओर पार्किंग लॉट चलते हैं। तो हमको जाना है ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर एक ट्रेस कैन रखा है, सो फर्स्ट ट्रेस कैन आई हैव सीन टू नाउ ऑन द हाइट। यह शुरू में जो नीचे जाने का रास्ता है वो करीब करीब स्ट्रेट है, थोड़ा ऊपर जाता है फिर मैं भी नीचे जाता होगा, आई थिंक फॉर अ वाइल ऐसा रहेगा और फिर नीचे जाना है। ये जो फॉल में जो पत्ते गिरते हैं तो ये उसके एनवायरनमेंट के लिए बहुत वाइटल होते हैं, उससे वो कंपोस्ट बनता है, उसका न्यूट्रिएंट मिलता है। पेड़ के जो सीड्स से यहाँ पर गिरते हैं, नए पेड्स होते हैं, पुराने गिरते हैं उसको काट दिया जाता है, फिर वही का वही चलता रहता है। ये पूरे एरिया को बोलते हैं स्वामी माउंटेन प्रिजर्व सिस्टम, जो कि करीब करीब 1000 एकड़ में है। जैसे कि भारत में अभयारण्य होते हैं, जैसे यहाँ पर नेशनल पार्क होते हैं, स्टेट लेवल पार्क होते हैं, और ऐसे प्रिजर्व भी होते हैं। वो जो दूर दिख रहा है सैटेलाइट जैसा, वो इसी सिस्टम का दूसरा एक माउंटेन है, माउंटेन साइड ट्रेल करके ट्रेल वहाँ पर ले जाती है, वो भी बहुत सुंदर ट्रेल है। हालांकि वहाँ पर ये इंडियन सिट जैसा ऑब्जर्वेशन डेक नहीं है, लेकिन ट्रेल एज अ ट्रेल बहुत अच्छी है, कम लोग आते हैं तो आप को थोड़ा प्राइवेसी मिलेगा, और जिस जो सही में एक्सरसाइज करना चाहते हैं रादर देन एंटरटेनमेंट, उनके लिए वो ट्रेल बहुत बढ़िया है। हर उम्र के लोग यहाँ पर आते हैं, तो बताता है कि बहुत यहाँ के लोग आउटगोइंग, हेलो, एडवेंचरस बहुत है। अपनी कुछ फिजिकल लिमिटेशंस होंगे, फिर भी उसको ओवरकम करके वो लोग आने के अटेम्प्ट करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है टू स्टे फिट। भारत में ज़्यादातर जगह पर, ज़्यादातर शहरों में ये चीज़ की बहुत कमी होती है। हालांकि हमारा टेरेन भी तो ज़्यादातर फ्लैट है, लेकिन फिर भी शहरों के नज़दीक ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ पर जाके आप छोटी सी एक्टिविटी कर सको। अगर करना है तो बहुत दूर की जगह जाना पड़ता है, कोई हर रोज़ नहीं जा सकता या हर वीक नहीं जा सकता। ये फिटनेस के लिए अगर भारत में किसी को कुछ करना है तो एक ही ऑप्शन होता है, और वो जिम में जाए, बाइकिंग करना, जॉगिंग करना। उसके लिए तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड पर नहीं कर सकते, यहाँ पर रोड पर भी लोग करते हैं। और जो पार्क होते हैं वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, फ्लैट होते हैं, तो उसमें भी कोई फिजिकल चैलेंजेस नहीं होती, जिससे आपको एक्सरसाइज, आपका बॉडी को जो एक्सरसाइज मिलनी चाहिए वो मिले।
करना चाहिए, जैसे कि जो पब्लिक पार्क्स होते हैं उसमें भी बहुत फ्लैट सीधा बनाते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है जो टाउन प्लानर्स है या आर्किटेक्ट्स है, जो कोई इनको डिज़ाइन करता है, लैंडस्केपर है, उनको डिज़ाइन करता है कि आप उसमें कुछ डाल सकते हो, कुछ ऐसे स्टेयर्स बना के, वुडन डेक बना के उसके ऊपर जाना, नीचे आना, कोई ऐसे झील है तो उसके नीचे जाना, ऊपर आना, ऐसा कुछ कर सकते हो ताकि लोगों को थ्रिल मिले। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड करने से चलो अच्छा है, कोई मतलब उम्र में बड़े लोग हैं वहाँ आएंगे, दो चार चक्कर लगाएंगे, बेंच पर बैठेंगे, घर चले जाएंगे, उनके लिए अच्छा है। लेकिन बाकी के जो लोग हैं जिनको थ्रिल पसंद है, उनके लिए सिटी एरियाज़ में ऐसा कुछ आसानी से नहीं मिलता है। मैंने बहुत पूछा जब मैं अहमदाबाद में था, मैंने सर्च भी किया कहीं नज़दीक में कोई हाइक है, तो उसका जवाब नेगेटिव था। साबरमती पास में है, साबरमती के भी तो ऊंचे ऊंचे कोतर होंगे। हाँ, मतलब वो साबरमती के किनारे रिवरफ्रंट बनाया है, वहाँ पर वॉक है, लेकिन वो भी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वॉक है ना, इसमें थ्रिल कहाँ। ये जो है वो दूसरे पार्किंग लॉट जाने का रास्ता है, हमें जाना है इस ओर। यहाँ पर ऐसे लोग दौड़ते हुए, जॉगिंग करते हुए भी मिलेंगे। अभी और भी जाना बाकी है, लेकिन ये नीचे की ओर जा रहा है तो थोड़ा ही आसान रहता है। ये साइन दिखाती है कि हम सही रास्ते पर हैं, IS 30। यहाँ पर आप दौड़ भी सकते हो, बहुत मज़ा आ रहा है। डेढ़ दो घंटे का बिल्कुल नेचर के पास रहना है, एक्सरसाइज, आपके सभी तरह के मसल यूज होते हैं, तो दिस इज़ अ मच बेटर वे टू स्टे फिट देन यूजिंग अ ट्रेडमिल। गिरे हुए पेड़ भी कभी कभार बहुत इंटरेस्टिंग शेप्स बनाते हैं। और रेस्ट करने के लिए एक बेंच आई है, लेकिन अभी मुझे रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, तो आई विल कंटिन्यू। हेलो, नीचे ज़मीन कई जगह पर गीली है, पत्थर कम है इस एरिया में, और उसके ऊपर पत्ते भी हैं, तो फिसलने का चांस भी। बी केयरफुल। राइट, जो वो बिल्डिंग दिखा रहा है कि हम हमारे प्रारंभ स्थान से बहुत नज़दीक में है, हाँ, लेकिन वो घुमा के ले जाएगा, तो अभी कोई सीधा जाने का रास्ता नहीं है। जा सकते हैं ऐसे तो शॉर्टकट करके, लेकिन ऐसा कोई नॉर्मली नहीं करता है, मैं भी नहीं करूँगा। व्हाट्स द पॉइंट, राइट? आप जब आए हो एक्सरसाइज के लिए, कुछ चलने के लिए, तो उसका जो प्रॉपर वे है वहाँ पर चलो। वाई वायोलेट द गवर्नमेंट रूल्स एंड नॉर्म्स, बी ए गुड सिटीजन। जो जंक्शन है वहाँ पर हम आ गए। लोगों को देखना पड़ता है, क्योंकि दो तरफ के रास्ते हैं, और गलत रास्ते पर चल गए तो फिर आपका हाइक बहुत लंबा हो जाता है, ये ले जाता है दूसरे पार्किंग लॉट पर। ये देखो, लोग यहाँ के साहसी तो बहुत हैं। मैं ऐसे डेक की बात कर रहा हूँ, आप कहीं भी बना सकते हो। रेगुलर जो पार्क होता है भारत में, जो म्यूनसिपल गार्डन्स होते हैं, वहाँ पर बना सकते हो। और मुझे लगता है कि जो पानी बहता होगा तो ये अति सुंदर लगता होगा। ये जो अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट, वो दिखाती है कि ये कुछ ट्रेनिंग के लिए जो आते होंगे स्टूडेंट यहाँ बैठते होंगे, और जो सिखाने वाले हैं वो यहाँ पर डेमोंस्ट्रेशन करते होंगे। यहाँ पर बीच में कोई दुकान नहीं आती, कोई चीज़ बेचने वाला नहीं मिलता। अपने घर से जो कुछ भी लाके आना है वो आइए, और आप नेचर को एंजॉय कीजिए और घर वापस चले जाइए। सो मोटो हियर, वो जो है वो उनका एजुकेशन सेंटर है। अच्छा, म्यूज़ियम भी है वहाँ पर छोटा सा, और ट्रेनिंग सेंटर भी है। तो लो जी, हम आ गए वापस जहाँ से शुरू किया था, बिल्कुल नेचुरल, विदाउट डिस्टर्बिंग नेचर। हमने ये ट्रेल पूरी की, कोई लिटर नहीं किया, कोई गंदगी नहीं डाली। अपने साथ जो रीयूजेबल पानी की बॉटल है वो मैं लेके आया था, तो साथ में ही लेके वापस आ गया। यहाँ पर ऐसी लिटल ट्री लाइब्रेरी है, वी कैन टेक बुक फ्रॉम हियर एंड वी कैन रिटर्न बुक फ्रॉम हियर। एक सुंदर झूला, लवली। हम जा रहे हैं इस बिल्डिंग के अंदर से।
और ये रहा पार्किंग लॉट, मैं जा रहा हूँ अपनी कार की ओर। तो अब मैं देखता हूँ मेरा एक्सरसाइज ट्रैकर क्या कहता है। वो बोल रहा है कि 1 hour 33 minutes 640 एलिवेशन गेन और टोटल 3.71 mile। एक चीज़ बताना मैं भूल गया कि मैं भूल गया था बीच में 10 मिनट तक उसको टर्न ऑन करने के लिए। तो मेरी तरफ से इतना ही। आई होप यू एंजॉय दिस जर्नी विथ मी। मुझे भी बहुत मज़ा आया। थैंक्स वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।